मैंने 14 तारीख को बताना अहम है, शायद ये मौका ना मिले। बहुत सारे, मैं कांग्रेसी ख्याल का हूँ, कांग्रेसी हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि यार तुम्हें तो इस पैनल में नहीं होना चाहिए थे, तुम्हें सलमान खुर्शीद साहब के पैनल में होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं सलमान खुर्शीद साहब के ही पैनल का हिस्सा था। मैंने 14 तारीख को अपनी नॉमिनेशन फाइल करी और 15 तारीख को पता चला कि सलमान खुर्शीद साहब जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब आप भी कैंडिडेट हैं? तो कहा नहीं, कुछ लोग घर आ रहे हैं, तुम भी वहां आ जाओ। मैं उनके घर गया, फिर उनका इरादा बना कि वो एक कैंडिडेट होंगे, मैं उनके नॉमिनेशन में शामिल था। फिर मैंने पूछा, क्योंकि मैंने अपना नॉमिनेशन दो पोजीशन के लिए किया था, एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए। मैंने पूछा, जब नॉमिनेशन विथड्रॉ करने का दिन था, मैंने पूछा आज आखिरी तारीख है, मुझे एक विथड्रॉ करना होगा, क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी चाहता हूं। फिर उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में बहुत कंपटीशन है, तुम एग्जीक्यूटिव का कंटिन्यू करो। फिर मैंने कहा आपके साथ रहना है मुझे? उन्होंने कहा आप, तुम मेरे हिस्सा हो, ये पूछने की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। ये बात हो गई खत्म, मैंने विथड्रॉ कर लिया बीओटी का अपना कैंडिडेचर। फिर 15 दिन उनके ऑफिस में उनका कंपेन करता रहा, अपने लोगों के साथ उनके फोन पे बात कराता रहा। फिर 16वें दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया अपने कमेटी का, तो मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कोऑप्ट कर लूंगा, तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो यहां बहुत सारे लोग पैकेज में आ रहे हैं, कुछ अमराज साहब के यहाँ से टूट के आ रहे हैं, कुछ सैराज साहब के यहाँ टूट के आ रहे हैं, और मैं पैकेज को, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा साहब ये काम तो आप अपने विरोधियों के बारे में कहते थे कि ये काम आरएसएस करती है तोड़ने का, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? कहा यार ये बात मत करो तुम। मैंने कहा मैं 15 दिन से कैंडिडेट हूं, मैं कैसे बैठ जाऊं? उन्होंने कहा तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दोगे इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए और तुम्हारा इतना तरक्की हो जाएगा। मैंने कहा जनाब आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन ये कुर्बानी अगर आप प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर के लिए मांगते तो मैं देता, आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए मांगते तो मैं देता, आप बीओटी के लिए आपने कहा 7 लोगों के लिए मैंने दी, आप 4 एग्जीक्यूटिव है आप कह रहे हैं कुर्बानी देने के लिए, तो मैं कुर्बानी दूं किसके लिए? और वो भी वो लोग जो इस कैपेसिटी या तो मेरे से बेहतर कैंडिडेचर हो या फिर मेरे से अच्छे सोशल वर्कर हो। अगर सिर्फ इसलिए आपकी उम्मीद ये है कि दूसरे की पार्टी तोड़ के आप अपना घर बसा लेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये तरीका आपको प्रेसिडेंट बनने का अच्छा नहीं कहता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, आप हमारे पैनल को जिताइए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।